ये मेरे पिताजी वगैरह तीन भाई थे, और भाई भाई से अलग अलग हुए तो ये मकान बना। ये कान मकान बना तो इसी में मेरे माता सोनाबाई ने घर का छबाई, जो गांव में बोलते हैं, तो छबाई किया। तो उनके जो सोच जहाँ जहाँ आया वहाँ वो कहीं चिड़िया का फिगर, कहीं तो पेड़ पेड़ बनाया, कहीं खिड़की में जाली बनाया, कहीं आदमी का फिगर बनाया, कहीं पेड़ फूल पत्ती बनाया। ऐसे करके उसने एक घर का सृजन किया। और अगल बगल के गांव के लोग तो देखने आते थे। तो ये भरत भवन जब बना भोपाल में, तो 83 से लोग भरत भवन से अपने आए थे अंबिकापुर, सरगुजा भ्रमण कर रहे थे, तो अपने यहाँ भी आए। तो अपने यहाँ आए, देखे तो कुछ यहाँ का बना हुआ सामान को खुदवा के भी ले गए थे भोपाल। तो मैं बोला भी कि ये तो टूट फूट जा रहा है, कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, इसको हम लोग बना लेंगे, तो और आप लोगों को भी जाना होगा। तब मैं कहा हम लोग तो जा नहीं पाएंगे। तो बोले एक दिन तो आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो उसी ले जाने की वजह से माँ को राष्ट्रपति पुरस्कार घोषित हुआ। तो उसका भी लेटर हम लोगों के पास आया। तो पुरस्कार माँ के साथ मैं लेने गया था दिल्ली में। फिर 86 में माँ को तुलसी सम्मान अवार्ड मिला मध्य प्रदेश सरकार से, वो तो भी लेने गया था। और फिर माँ को अमेरिका के लिए 2 महीने का सेलेक्ट हुआ, जो जहाँ कैलिफोर्निया। तो मैं उनके साथ कैलिफोर्निया गया, वहाँ भी अपनी कला का संग्रहालय अमेरिका में प्रदर्शन किए। इसके बाद हम आए तो दिल्ली प्रगति मैदान में अपना काम किए, और ऑस्ट्रेलिया भी 42 दिन के लिए गए थे, वहाँ भी अपना काम का प्रदर्शन किए। अपने रायपुर हुआ, यहाँ देखिए अमेरिका से लोग आए, जापान से लोग आए, अभी कल अपने यहाँ भी लोग आए थे फ्रांस से, और 2 दिन वो लोग आए थे, और अभी वो लोग भी किए। और अभी अपने सरगुजा में वो लोग ही हैं, अपने यहाँ से चले गए। तो ऐसे आते हैं और कई जगह से आते रहते हैं, कोई ना कोई मतलब बीच में आते रहते हैं। से अभी काम तो अपन को नहीं मिल रहा है अभी तत्काल में। हाँ, पहले कुछ वही संग्रहालय में आने जाने का बुलावा होता था, अभी कुछ नहीं मिल रहा।